हाय दोस्तों, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के बारे में, कैसे इसका सिलेबस क्या है और कितने नंबर का पेपर होता है और किस आयु वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2017 के जो नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग हम इस बात करेंगे। 2017 में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, 2 साल कोविड का गुजर चुका है तो इससे एज भी बढ़ेगी, तो देख लेते हैं, पूरी प्रोसेस देख लेते हैं, कितने नंबर पेपर और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने हिंदी इंग्लिश और करंट अफेयर्स वगैरह से कितने क्या क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, आपके जो मेजर डाउट रहेंगे, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर MPSI सब इंस्पेक्टर 2022 जो जल्द वैकेंसी आने वाली है और उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका डाउट है क्या, किस एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु अभी आया नहीं नोटिफिकेशन, पर तो अभी 2022 के अंत तक MPSI की भर्ती आने की संभावना है 99.99%। फिर दूसरा सिलेबस, सिलेबस की बात कर लेंगे। तो देखो, एज के अनुसार मान सकते हैं हम कि 2 या 3 साल आपके बढ़ सकते हैं इसमें। पहले 32 साल थे, अभी 35 साल या 36 साल बढ़ा सकते हैं वो, तो देख लेना ST SC और OBC वालों को कितना क्या छूट मिलता है और जनरल वालों की कितनी रहती है, वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। अब सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। आपका जो पूरा पेपर है MPSI का, MPSI का पूरा पेपर है 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, पूर्णांक होता है इसका 200 नंबर का, कितना होता है 209वां पेपर। और कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 200 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं आपके, 200 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन होते हैं 200 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर दिया जाता है MPPV द्वारा। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग, मार्किंग नहीं थी 2017 के जो नोटिफिकेशन था उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं अभी, माइनस मार्किंग नहीं थी। और MPSI की जो MPSI है हमारा, ठीक है, अब आपके जो 100 नंबर का दो पार्ट में डिवाइड है, ये 200 नंबर पेपर, 100 नंबर और ये 100 नंबर मार्क्स, ठीक है। इस 100 नंबर में आपके जो 70 नंबर की है आपके, आपके हिंदी रहेगी, क्या रहेगी, हिंदी, और 30 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी, कितना रहेगी इंग्लिश। और 100 नंबर में इसमें हम बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे और मैथ्स में इसमें प्लस रीजनिंग भी आएगी आपके, ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा जी। फिर उसके बाद आपके साइंस, फिर आपका जो GK में आ जाते हैं, इसमें MPGK और संपूर्ण भारत का जो GK होता है उसमें आपका हिस्ट्री, फिर आपका इकोनॉमिक और आपका पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस की तो बात हो गई है, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री इकोनॉमिक या पॉलिटी और जियोग्राफी और मिसलेनियस। हिस्ट्री में आपका एंशियंट हिस्ट्री, मीडियवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री पर क्वेश्चन आएंगे इसमें। और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जियोग्राफी हो गई। अब यहाँ पर GK में और बात कर लेते हैं हम, जो भी आपका वन फैक्ट है
एमपी जीके हो गया, पूरे भारत का जो जीके आता है वो भी हो गया आपका। अब यहाँ पे हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में आपका एमपी करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, जो इंडियन करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, जो आपका पर डे वन बाय, अभी से आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ो और रोजगार निर्माण लगवा लीजिए। एमपी का करंट अफेयर्स और घटना चक्र भी आती है, तो उसको पढ़ लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप। अब यहाँ पर कोई छूट तो नहीं रहा आपका, 100-100, 200 नंबर का हो गया, हिंदी इंग्लिश 30-30 नंबर की, 100 नंबर का पूरा पेपर है ये, 100 नंबर का पूरा पेपर है ये, इसमें आप अच्छे से कवर करना हिंदी और इसको अच्छे से कवर करना। जो ये एमपी कॉन्स्टेबल का पेपर होता है 100 नंबर का, उसी की तरह ये भी पेपर है, और सब जो पास होते लड़के इसमें अच्छे नंबर ले आए तो ये आराम से हो जाएगा। सबको साथ में लेकर चलना, अभी आपके पास 7-8 महीने का समय है, अच्छे से आप लपक के तैयारी करो और अपने आप को डेडिकेट कर दो अच्छे से। एमपी पटवारी भी वापस आ रही है, ये हो गया आपका पूरा सिलेबस, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इसका पार्ट टू और फिजिकल की हम बात कर लेते हैं। फिजिकल के लिए हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे, इसमें बस एमपीएसआई की बात कर लेते हैं सिलेबस की। ये जो आपका सिलेबस था 200 नंबर का, मैंने बता चुका हूँ आपको, 200 नंबर में हिंदी 70 नंबर की और इंग्लिश 30 नंबर की, 100 नंबर का पेपर पूरा ये अलग रख दो, इसकी आप पर डे तैयारी स्टार्ट कर दो आप। 7-8 महीने का समय है आपके लिए, और आपका जो 100 नंबर में है आपका मैथ्स रीजनिंग जीके और जीएस और करंट अफेयर्स ये पूछा जाएगा, और एमपी जीके आप अच्छे से कमांड कर लीजिए, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल बहुत हार्ड रहेगा। अभी एमपी कॉन्स्टेबल में भी छक्के छूट गए थे बच्चों के, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत हार्ड पूछी गई, बैंकिंग की और एसएससी की मैथ्स पूछी गई उसमें, और मुझे लगता है लगभग आपके इस बार भी 2017 में भी एसएससी को फॉलो किया था, जो मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे, और आपने एमपी टेट में देखा होगा कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, एमपी टेट में भी पेपर कैसे हार्ड बने हैं, और एमपी कॉन्स्टेबल का जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया था बहुत जटिल प्रक्रिया था, इससे आपको लगता है कि आपको अच्छे नंबर लाने की ज़रूरत है। मतलब मान के चलो आपको 200 नंबर में से टारगेट लेके चलना है, 200 नंबर में से आपको टारगेट लेके चलना है कितना, प्लस 170 आपको टारगेट लेके चलना है। आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर कम होते होते भी 10 नंबर भी कम हो गए ना, तो आपके 160 तो हो ही जाएंगे, 160 में आपका सिलेक्शन पक्का है। अब जनरल वालों के भी कंपटीशन बहुत हो गया, ईडब्ल्यूएस वालों, भैया आप सब सुन लीजिए, इस बार ईडब्ल्यूएस के बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट बन चुके हैं, तो आप भी कॉम्पिटिशन हो इस बार। कॉन्स्टेबल में तो कम नंबर भी हो गया है, तो आराम से 170 प्लस लेके चलिए और अच्छे से तैयारी कीजिए आप। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा जितना नॉलेज था मैंने दे दिया इस वीडियो के माध्यम से, और पार्ट टू में फिर इसका बनाऊंगा एमपीएसआई का, कितना फिजिकल होता है, लॉन्ग जंप और हाई जंप, और गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए क्या क्या मांगा जाता है, किस प्रकार आप तैयारी करें, और आपका इसमें एजुकेशन प्लस फिटनेस के रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे, आप जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी वीडियो अपलोड होता है तुरंत प्रभाव से आपके पास आई बेल बटन भी दबा देना तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।